हम एक ही रूम में सब पूरी फैमिली बंद थी। कहीं ना कहीं हमारे दिल में अभी डर है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Today the print is at Karawal Nagar Road in Chandbag area, and though the area is still simmering with tensions, however somewhat normalcy has been returned to the area. As you can see behind me, there are a couple of shops that have opened. There is also 20-footer road. There are a couple of shops have been opened. We'll take you to the place and we'll see what the shopkeepers are, after how many days they have opened the shops, and what are their reactions, how the people are trying to get back to their normal lives. ये कितने दिन बाद दुकान खोली है? 5वें दिन दुकान खोली है। तो लोग बाग आ रहे हैं, जिंदगी पटरी पे आ रही है। हाँ ठीक है, बेहतर है, पहले से बेहतर है जी। तो बाकी दुकानें भी खुली हैं अभी? दुकानें खोलने लगेंगे लोग बाग। हाँ, सामान की काफ़ी किल्लत हुई है। इन सामान की बहुत किल्लत है, दूध की, दवाइयों की, सब्जियों की, और तो परेशानी तो लोगों को थी। 4 दिन तक बैक रहे हैं, बंद रहे। जैसे आपका काम तो काफ़ी ज़रूरी है, दवाइयों वगैरह का, तो हमने पहले लास्ट में बंद किया और पहले खोली सबसे पहले। कब से, मतलब कल भी दुकान खोली थी? नहीं, कल नहीं खोली दुकान। जी मैं यहाँ क्लिनिक चलाता हूँ, हेल्थ वैक्स पॉली क्लिनिक, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है वो यही आई है, मेडिकल की, दूध की, खाने पीने की, और आज भी यही दिक्कत बरकरार है। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी दुकान ओपन नहीं है, सब जगह यही दिक्कत आ रही है। सबसे ज़्यादा बच्चे, बूढ़े और जो रेंट पे रह रहे वो सबसे ज़्यादा यहाँ परेशान है। इसी कारण वो यहाँ से पलायन कर गए। दूसरे जो राज्यों से आए हुए थे वो दूसरे राज्यों में जा चुके, इसी वजह से यहाँ पर अभी हालात सामान्य नहीं है। पर हम सब मिलकर यहाँ की जनता ये चाह रही है कि जल्दी से जल्दी सामान्य हो जाए। आप क्लिनिक चला देते तो खासकर मतलब मरीजों को क्या मुश्किलों का सामना पड़े? मुश्किलात तो बहुत आई, क्योंकि जब से यहाँ कर्फ्यू लगा है जब से तो क्लिनिक खोलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। पर एक्चुअली क्या है, मेरा रेजिडेंस भी यही है, तो जितनी भी पेशेंट आ रहे थे मैं अपने घर में से जाकर या घर में से ले जाकर पेशेंटों को देख रहा था। एक्चुअली नॉर्मल पेशेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, बुखार या दर्द वाले तो बर्दाश्त कर रहे थे, जो सीरियस थे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एम्बुलेंस की भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी और कई लोगों को छोड़। सर मैंने खुद एक, मेरे पास चेस्ट पेन लेके आया, मुझे डाउट था उसे कि MI हो सकता है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, पर उसके लिए भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाई। और बहुत मैंने उसे सॉर्बिडेट दिया, यहाँ स्टेबल किया, उसके बाद जाके वो कम से कम 4 घंटे बाद, जहाँ उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए था, 4 घंटे बाद जाके वो ट्रीटमेंट लेने जा पाया। विल वॉक थ्रू एंड विल सी अदर शॉप्स दैट हैव बीन ओपन। यू कैन सी देयर आर कपल ऑफ शॉप्स दैट आर बीन ओपनिंग, देयर आर फूड आउटलेट्स दैट आर ओपन right now, and people are feeding here. Let's talk to the people who are having food here. आप लोग, so ये कितने दिन बाद दुकान? ये आज ही खुली है आपकी दुकान से? दुकान जी इन्हीं की दुकान है। हाँ, बल्कि हम इनको हिम्मत दे रहे हैं कि आप दुकान खोलिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाके में बेचारे जिनके घर नहीं है, उनको खाने के लिए परेशान है, क्योंकि जब कोई खाने का साजो सामान नहीं मिलेगा दिक्कत आएगी। दुकान आप देख रहे हो पूरी तरह से अभी खुली नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दुकान खुल जाए, लोगों को जो डेली की जरूरत की चीज़ है वो मिल जाए। As you can see, there are water sprinklers that are also being deployed to settle down the dust. As far as the EDMC officials we have talked, according to municipal official, this is the final clearance call. They are trying to clear road as soon as possible and plan to allow the traffic to go for a thoroughfare by tomorrow morning. We have with us one of the delivery boys who is trying to locate the area here. भाई साहब क्या नाम है आपका? आशीष नाम है। आशीष जी की ये ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं? हाँ जी। कहाँ से पिकअप करना है? कहाँ? पुस्ता से लेना है, होटल से पंजाबी रसोई, वहाँ से लेना है, और ये करावल नगर चेक पोस्ट पर देना है। इस एरिया में अभी डिलीवरी दी है आपने, कैसा है मतलब पहले के मुकाबले हालात कैसे? हालात तो बस ऐसी है, मतलब ऐसी जैसे चल रहा है, यही हिसाब किताब है। ये मतलब इस साइड आज आपकी पहली डिलीवरी है जब से सारे दंगे चालू हुए? कि पहली बार है। आज पहली बार। कितने दिन बाद निकले आप? 4 दिन बाद निकला हूँ घर से। कपल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑल्सो अलॉन्ग विद अस हू हैव फेस्ड वेरियस ग्रीवेंसेस ड्यूरिंग दिस राइट। आपका नाम? सना। ये मतलब इन 4-5 दिनों में, एक हफ्ते जो भी हुआ, क्या मुश्किल आती? बहुत ज़्यादा। हम इवन अपने घर में भी सेफ़ नहीं फील कर रहे थे। हम एक ही रूम में, सारे 4 फ्लोर है हमारे घर पर, बट हम ओपनली नहीं घूम पा रहे थे फ्लोर वाइज। हम एक ही रूम में सब पूरी फैमिली बंद थी, और इवन हमें ये डर लग रहा था अगर हमारे हिंदू पड़ोसी देख लेंगे तो कहीं कुछ उनके दिल में क्या है, ये हमें मतलब कंफर्म नहीं था। बट ऐसा नहीं है कि वो ऐसा गलत सोचेंगे, बट एक डर की भावना आ गई थी, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते। जब रिलीजन फैक्टर सामने आता है तो हम आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि हाँ वो क्या हमारे लिए सोचते हैं। अच्छा, ये मतलब आज जैसे कुछ दुकानें वगैरह खुली है तो ज़िंदगी मतलब मुकम्मल तौर पे पटरी पे कब तक आएगी? वैसे बाकी लोगों के दिलों से ये जो ग्रजेज़ हैं निकलने में टाइम लगता है। हम नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, लेकिन अब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रदरहुड फैलाना चाहिए और ऐसे स्टेटस ऐसी चीज़ों का वो नहीं करना चाहिए कि जो भड़काऊ चीज़ें हमें मतलब भड़काएं। हमें ऐसी चीज़ों को निग्लेक्ट करना है और करेंगे तभी हम उस चीज़ को जल्दी से वो कर पाएंगे, भरपाई कर पाएंगे उस चीज़ की। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम शैला है। एक टीचर हो जी। तो मतलब जैसे दुकानें वगैरह आज कुछ खुल रही हैं जी, मतलब कुछ हो रही हैं, तो मतलब कैसा, मतलब क्या हुआ वाकई में? हालात थोड़े सुधरे हैं पहले से? तो लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, लोग भी बाहर आ रहे हैं, हम लोग भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में अभी डर है कि हम किस तरीके से जाएंगे, हमारे स्कूल में बच्चे आएंगे पढ़ने, वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे, क्योंकि हम उनके एज अ आइडल हैं, हम टीचर हैं, हम बच्चों को क्या चीज़ बोलेंगे। हम उन्हें ये बताते थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सारे भाई बहन एक साथ रहते हैं, लेकिन वो चीज़ जब उनके सामने प्रेजेंट में आ रही हैं, वो चीज़ बच्चे देख रहे हैं, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आने वाले फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेन मसला ये आ रहा है कि हम बच्चों को आगे क्या एजुकेशन देंगे, क्या शिक्षा देंगे, कि हम आने वाली चीज़ों के लिए उन्हें कैसे रिकवर करेंगे, उन्हें क्या बताएंगे कि क्या सही है क्या चीज़ गलत है। बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं चीज़ें जानने के लिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो अब ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमें उनके हर एक क्वेश्चन को ऐसे जस्टिफाई करना है कि चीज़ें भी मतलब हम किसी के लिए गलत भी ना बोलें और जो है वो चीज़ें स्टेबल भी कर पाए। तो हमें अपने आप के लिए, हमारे लिए एक चैलेंज खड़ा हो गया है कि अब हम उन्हें कैसे उन्हें जस्टिफाई करेंगे। विद कैमरा पर्सन सूरज सिंह बेस्ट, दिस इज सम्यक पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम चांदबाग, न्यू दिल्ली फॉर द प्रिंट।